सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा रखता हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स अच्छे होंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बहुत दिनों के बाद मेरे वीडियो आ रही है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं मुझे, लेकिन अभी मैं प्रयास करूंगा कि मेरी वीडियोस में हो सके इतनी मैं डाल पाऊँ। मैं हर बार ऐसा ही कहता हूँ, लेकिन मैं डाल नहीं पाता। देखिए, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा जो कहते हैं अस्त्र की तरह काम करते हैं। अस्त्र की तरह काम करते हैं, इसका तात्पर्य इससे है कि इसका फल अचूक मिलता है अगर जातक नियमित रूप से निश्चित संख्या में इसका जाप करता है। तो ये मंत्र जाप कब करने चाहिए, कौन सी परिस्थिति में करने चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राहु से, राहु की उपासना। अगर जातक की कुंडली में राहु अशुभ है, नीच का है, तो व्यक्ति ये उपासना कर सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मैंने ऐसा सुना है कि कलयुग में ये जो क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे कि राहु, केतु, शनि, इसका प्रभाव इस युग में ज्यादा रहता है, और जो शुभ ग्रह होते हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम रहता है। तो अगर व्यक्ति चाहे तो ये राहु की उपासना कर सकता है। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इसका 108 बार नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला इसलिए क्योंकि कोई भी अगर क्रूर ग्रह है वो रुद्र भक्त कहे जाते हैं, यानी कि भगवान शंकर के वो भक्त कहे जाते हैं, इसलिए आप इनकी उपासना में रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। इसके साथ आपको चाहिए कि रोजाना नियमित रूप से कुत्ते को कम से कम एक रोटी खिलाए। रोटी ऐसी बासी रोटी मत खिलाना, कुत्ते को ताजी रोटी खिलानी चाहिए। अगर आप ये साधना करते हैं तो हर रोज। कहते हैं कि ये जो मंत्र है वो बहुत ही जल्दी काम करता है, और अगर आप इसकी साधना करते हैं तो जितने भी आपके रुके हुए कार्य है वो तुरंत ही बनना शुरू हो जाएंगे। अभी दूसरा मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, इसका प्रयोग आपको स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। अगर आपका या आपके परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य खराब है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र तो जो हमारा सनातन मंत्र है वो ही है, लेकिन इसका जाप कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से इसको आप जप सकते हैं, वो आपको मैं आपको विधि बता देता हूँ। प्रातः काल आप लाल वस्त्र धारण करें, आप धोती वगैरह पहन सकते हैं लाल रंग की, और आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें लाल रंग के वस्त्र पहनकर। और उसके बाद आपको 108 बार पूर्वाभिमुख होकर रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी यानी कि ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। अगर आप ये करेंगे तो अब थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको इसका फल मिलने लगेगा। प्रातः काल आपको लाल रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है, उसके तुरंत बाद पूर्वाभिमुख होकर आपको रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इससे तुरंत ही स्वास्थ्य में सुधार होता है। अभी तीसरा जो मंत्र है उसका प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब आप बहुत सारी समस्याओं से घिर गए हो, या तो कोई आपका वाद विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी वगैरह कुछ भी, या तो फिर आपकी कोई भी अभीष्ट कामना हो, तब आपको भैरव मंत्र का जाप करना चाहिए और भैरव की उपासना करनी चाहिए। अभी भैरव जी का दिन हम सभी जानते हैं, रविवार। रविवार को आप भैरव मंदिर में जाए और भैरव जी को सफेद रंग की कोई भी आप शुद्ध मिठाई उनको अर्पित करें, और इसके बाद ओम बम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा, ये मंत्र है। इसका आपको हो सके इतना जाप करना चाहिए, कम से कम संख्या 108 रखनी चाहिए। अगर आप वीक में एक बार करते हो तो आपको हो सके तो 5 माला कम से कम करनी चाहिए, अगर नहीं हो सकती तो 1 माला करें। आपको भैरव की विधि संपन्न करनी है मंदिर में, मंदिर में जाकर उनको ये प्रसाद अर्पण करना है जो सफेद रंग का होता है, और घर में आकर आप बाद में आप जाप कर सकते हैं। अगर व्यवस्था है तो मंदिर में भी आप जाप कर सकते हैं, इसके लिए भी रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें।
ये मंत्र काफी प्रभावशाली है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका असर देखा है। तो अगर कोई भी आप ऐसी समस्या से घिर जाए तो ये मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। ओम बम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। अगला जो मंत्र है वो कारोबारी के लिए है, यानी कि जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास पैसे टिकते नहीं है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी ये करना चाहिए। जो सनातन उपाय है, सूर्य देव को जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र की आप उपासना करें, यानी कि गायत्री मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी टिकी रहती है, और हो सके तो पन्ना धारण करें। अभी अगला मंत्र है वो बौद्धिक विकास का मंत्र है, ज्ञान का मंत्र है। हमारे सनातन धर्म में गणेश जी को ज्ञान और तीव्र बुद्धि का देवता कहा गया। अगर कोई व्यक्ति तीव्र बुद्धि की कामना रखता है तो उसको यह जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन आप किसी भी गणेश मंदिर में जाए, या तो आप शिव मंदिर में जाएंगे तो भी आपको गणेश जी तो हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको 5 मोदक, 5 लाल गुलाब, 5 दुर्वा की हरी पत्तियां जो ताजी हो, और घी का एक दिया, इतनी चीज आप उनको अर्पित करें। और मंत्र जब आपको करना है ओम बुद्धि प्रदायेन नमः, सभी मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। ओम बुद्धि प्रदाये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते। तो ये सारे मंत्र मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि काफी प्रभावशाली है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही आपको वीडियो बना दिया, बता दिया आपको, लेकिन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो बहुत सारे विद्वानों के अनुसार आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे मैं कुछ पढ़ के मैं बता रहा हूँ। इसलिए धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए, और अच्छा लगता है मुझे जब मैं वो क्वेश्चन आंसर जब यूट्यूब पे जब शेयर करता हूँ तो बहुत सारे लोग उसमें वोट करते हैं। थैंक यू सो मच उसके भी लिए, धन्यवाद।